नमस्कार दोस्तों, श्याम कला से रिंगस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, मेरा इस सब्जेक्ट एग्ज़ाम लगेगी या नहीं लगेगी, या इसके अलावा मेरे नंबर 0 शो कर रहे हैं तो क्या मेरे नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज आपके जो सारे कन्फ्यूज है वो क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आईटी की पल पल की अपडेट दी जाती है, साथ ही सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। अब दोस्तों देखो, एक चीज़ मैं आपकी पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट आ चुका है वो आपका 2018 और 2020 वाले बैच का आया है। इसमें भी अभी ये रिजल्ट ओनली सेकेंड ईयर का रिजल्ट शो कर रहा है। अभी जो फर्स्ट ईयर का पेपर लगा था, उन्हें बहुत से बच्चों का फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं लगा तो उनका अभी नंबर शो नहीं कर रहा है। यानी कुल मिला के जिसमें आपके ट्रेड प्रैक्टिकल का और इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्ज़ाम लगी थी तो उनका नंबर भी शो नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे 2018 के, उन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्ज़ाम दी थी तो उनका नंबर अभी जो पीछे वाला वही शो कर रहा है। यानी कुल मिला के अभी 2018 का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है, नए 2019-21 बैच वाले बच्चों का रिजल्ट आया है। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हैं, सर हमारा रिजल्ट आ गया, ये नंबर शो कर रहे हैं, इसमें गलत बता रहे, वो बता रहे। दोस्तों, किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, आज या कल में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। बात करें दोस्तों किस सब्जेक्ट में फेल होने से परीक्षा देना पड़ेगा या नहीं, दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल हो रहे हो तो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्ज़ाम लगेगी, अदर सब्जेक्ट की एग्ज़ाम नहीं लगेगी, जैसे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप के साइंस, इम्प्लीमेंटरी स्किल या प्रैक्टिकल, इनका एग्ज़ाम नहीं लगेगा। हाँ, एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, वो आपकी एग्ज़ाम फीस जैसे फर्स्ट ईयर की 700-800 कितने रुपये थी उतनी एग्ज़ाम फीस, वही एग्ज़ाम फीस रहती है, यानी पूरी फीस लेता है एग्जामिनर। तो ये चीज़ क्लियर होगी, तो आप जिस सब्जेक्ट में फेल हो उसी सब्जेक्ट की आपकी एग्जाम होगी। बात करो जैसे आप आपकी इम्प्लॉयटी स्किल फर्स्ट टाइम पढ़ती हो आप, और इम्प्लॉयटी स्किल के साथ आपकी वर्कशॉप के साइंस की एग्ज़ाम लगती है, तो उन दोनों की एग्ज़ाम एक साथ लगती है, तो वहाँ पर दिक्कत दोस्तों ये आती है कि हाँ सर अब इसमें एग्ज़ाम किस लगेगी। तो दोस्तों वहाँ आपकी दोनों का एग्ज़ाम लगेगी, यानी आपकी वर्कशॉप के साइंस और इम्प्लॉयटी। अगर आप इम्प्लॉयटी स्किल में फेल हो चुके हो तो आपको वर्कशॉप के साइंस की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, या वर्कशॉप के साइंस में अगर फेल हो गए हो तो आपको इम्प्लॉयटी यानी दोनों की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। हाँ, ट्रेड थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपकी वो एग्ज़ाम है जो दोबारा से नहीं देनी पड़ेगी, यानी अगर इनमें क्लियर हो गए तो ये क्लियर हो गया। आगे देखेगा ITI रिजल्ट 0 मार्क्स आ गया है तो किस पे। तो दोस्तों अब काफ़ी बच्चों के 0 मार्क्स शो कर रहा है, तो इसके लिए आपके री चेकिंग के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप री चेकिंग के फॉर्म लगाओ। दोस्तों उसे री चेकिंग नहीं बोलते, उसे री टोटलिंग बोलते हैं। तो कुल मिला के आपके टोटल नंबर शो कर रहा है तो वहाँ पर 0 आ रहा है। तो दोस्तों आपको आपकी ड्राइंग शीट स्कैन करके मेल आईडी पर भेज जाएगी, आपको दिखा जाएगी, साथ ही बताया जाएगा किस प्रकार आपके नंबर कम आए। तो अगर वहाँ पर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप री टोटलिंग कराओगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, री चेकिंग कराओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने नंबर आने चाहिए थे, कितने नंबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आपका 0 नंबर है तो 0 नंबर है तो कंप्यूटर अभी कुछ वेबसाइट के कारण थोड़ा एकदम सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बार साइट चल रही है, काफ़ी नहीं चल रही है। आपने स्टार्टिंग में देखा होता जैसे आपका रिजल्ट आया था तो पहले दिन आपका रिजल्ट एकदम सही नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरे दिन अपडेट कर दिया गया। तो अभी जिनका भी 0 नंबर शो कर रहा है उनका भी रिजल्ट अपडेट करेंगे, उसके बाद में एकदम सही क्लियर कर देंगे। दोस्तों जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आ रही है, लेकिन अभी DGT का कोई निर्णय नहीं है कि कब और किस प्रकार क्या करेंगे। लेकिन जहाँ तक आप देख रहे हो कि CBSE बोर्ड वाले या कोई स्टेट वाले जो 10वीं 12वीं वाले बच्चों को सभी को प्रमोट कर दिया गया है, तो अब DGT को भी कुछ फैसला तो लेना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो जो बच्चे जैसे 17-19 के बैच के बच्चे हैं, 16-18 बैच के बच्चे हैं या 18-20 के बच्चे हैं, इन बच्चों को उनको प्रमोट करना पड़ेगा। हाँ, जो रेगुलर बच्चे हैं जैसे 19-21 और 20-22 बच्चे, उनका अगर डिजिट चाहिए अपने हिसाब से एग्ज़ाम ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे पीछे रह गए उनको अब DGT को पास करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। बहुत जल्द आपको प्रमोट का सर्टिफिकेट DGT करेगा, क्योंकि उनके लिए अब ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि हम लोग लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो, जिससे कि DGT अपना फैसला वापस से चेंज करे और वापस से सभी छात्रों को प्रमोट करे, क्योंकि काफ़ी बच्चे काफ़ी टेक्निकल भर्तियों से वंचित रह चुके हैं, साथ ही बहुत से बच्चे एज आउट हो चुके हैं। तो अब DGT को हम काफ़ी दिनों से
जो ट्वीट करें उनका सामना करना पड़ा है। साथ ही हम और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे जिससे आपका सपोर्ट मिलेगा। तो आप दुआ करो कि जल्दी आपको प्रमोट कर दे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम लगेगा और जब तक काफ़ी टेक्निकल भर्तियाँ चली जाएगी काफ़ी बच्चे बेचारे एज आउट हो जाएंगे। तो जहाँ तक हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका क्लियर हो चुका है कि किस सब्जेक्ट की किस प्रकार एग्जाम लगेगी, और जिसके जीरो नंबर शो कर रहा है वो आपकी रीचेकिंग करवा सकता है, रीटेटलिंग करा सकता है, आपकी ड्रॉइंग शीट आ जाएगी। अदर सब्जेक्ट में आपकी जीरो है यानी ट्रेड थ्योरी में, उनमें तो उनमें आपका वेबसाइट की प्रॉब्लम के कारण है, एक दो दिन में वापस से अपडेट होकर फिर आएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।